तो हेलो एवरीवन, अभी तक हमने क्या देखा है? हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन खत्म हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर एंगुलर मोमेंटम, ओके, एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। पहले एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, देन टॉर्क पढ़ेंगे, देन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है? ये हमारा सीरियल रहेगा। स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता है एल इज इक्वल टू क्या है? आर क्रॉस पी, है कि नहीं? इसको लिखते हैं आर क्रॉस पी के जगह पर मास इनटू वेलोसिटी। मास को बाहर ले लिए, आर क्रॉस भी, इसको लिखते हैं एम आर वी साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। आर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? आर परपेंडिकुलर। तो इतना एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर देख लीजिए यहाँ पर, अगर एक पॉइंट है वो, ये हमारा ओरिजिन है, हमको विथ रेस्पेक्ट टू दिस वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, ओके। विथ रेस्पेक्ट टू दिस वी हैव टू कैलकुलेट आवर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, देख लीजिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर एक वेलोसिटी है पार्टिकल का, मास एक्स, इसका मास एम है, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है। ठीक है, अगर हम क्या निकालेंगे, वो बोलेगा आप इस विद रेस्पेक्ट टू वो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालिए। ठीक है, तो हम मैक्सिमम टाइम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, देखिए इसका, देखिए एम भी आर पॉइंट, आर परपेंडिकुलर, देखिए जब भी आप आर परपेंडिकुलर निकाले क्या करेंगे, ये जो लाइन है ना, ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे हमेशा। हो गया, हुआ कि नहीं? ये लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे। हमारा आर है ये वाला है आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो बोलेगा हमको क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एम भी आर परपेंडिकुलर चाहिए कि नहीं? यही चाहिए। तो आर परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन सा होगा? ये वाला होगा, देख लीजिए अच्छे से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला है आर परपेंडिकुलर, होगा कि नहीं? अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये वाला एंगल होगा आर परपेंडिकुलर, ये वाला लाइन। तो इस जो इसको बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। और पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो वेलोसिटी ऑफ लाइन है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रहा है उस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, और हमारा जो जिस पॉइंट से हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे हम लाइन ऑफ वेलोसिटी से लाइन ऑफ वेलोसिटी को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, जो लेंथ आएगा वो हमारा आर परपेंडिकुलर आ जाएगा। समझ गए कैसे आर परपेंडिकुलर निकालते हैं? सिंपल है। और यहाँ पर ये जो लाइन ऑफ वेलोसिटी ना, इसको लाइन ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं या लाइन ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ वेलोसिटी और लाइन ऑफ लिनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका इतना ही है, और दो तीन कॉन्सेप्ट है जिसको अब आपको हम लिखवा दे रहे हैं। देखिए मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। अगर इफ इफ टोटल, जो एल टोटल होता है कितना होता है? सम ऑफ आर क्रॉस पी, ठीक है, सम ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम एल टोटल, इसी को क्या कहते हैं? एल टोटल बोलते हैं ना, टोटल। तो सम ऑफ आर क्रॉस पी, जितने पार्टिकल सबका आर क्रॉस पी हम निकालेंगे, आर क्रॉस पी जितने भी पार्टिकल होगा। जैसे एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम में बहुत सारा मास है, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ऐसे सब हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सबका हम इंडिविजुअली आर क्रॉस पी भी निकालेंगे, निकाल के सबको ऐड कर देंगे, तो हमका टो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ गया? नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इफ टोटल लीनियर मोमेंटम का सम इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, तो दी एंगुलर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट
ऑन दी चॉइस ऑफ ओरिजिन। जैसे हम यहां पर ओरिजिन ओ को ले रहे थे, ठीक है, अगर किसी सिस्टम पर टोटल मोमेंटम ये सब मिलके अगर टोटल मोमेंटम लीनियर मोमेंटम जीरो हो गया, ठीक है, तो हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए किसी भी पॉइंट को ओरिजिन चूज कर सकते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम एग्जांपल करवाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ इफ यहां से क्या लिख सकते हैं, इफ टोटल मोमेंटम इक्वल टू जीरो, ठीक है, देन एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट पर, एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं। मतलब एंगुलर मोमेंटम उस टाइम पर क्या होगा, कंजर्व रहेगा। इसका मतलब कि अगर P टोटल जीरो हुआ तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब हम किसी भी पॉइंट को ओरिजिन ले लिए, कोई भी पॉइंट, O को लिए क्या O डैश को लिए, जैसे O एक पॉइंट है और एक पॉइंट O एक पॉइंट O डैश और एक पॉइंट O डबल डैश और एक पॉइंट O ट्रिपल डैश, ऐसे होगा। हम किसी की भी पॉइंट को O मतलब ओरिजिन चूज कर सकते हैं, समझ रहे। तो इससे क्या लिख सकते हैं, तो एल ओड ओ इक्वल टू एल ओ डैश इक्वल टू एल डबल डैश, इस तरह का कंडीशन आ जाएगा, समझ रहे हैं। जब आपको एग्जांपल में करवाऊंगा आपको पता चल जाएगा, आप सिर्फ देख लीजिए अभी कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। जल्दी से चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, ठीक है। देखिए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमको मेनली आर क्रॉस पी चाहिए और क्या चाहिए, आर्क परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है। वो आर्क परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करने आ गया, एंगुलर मोमेंटम आपका कैलकुलेट करने आ गया, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्या हो रहा है। चलिए पहला एग्जांपल, अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है सर्कुलर डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पर अगर पार्टिकल का मास एम है तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी भी है, तो पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, ये वाला पॉइंट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, तो हमको क्या पता है एम भी आर परपेंडिकुलर पता है कि नहीं फॉर्मूला। देखिए आर परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या बोले, जिस डिरेक्शन में वेलोसिटी होगा उस डिरेक्शन को हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो इस डिरेक्शन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, कलिए। तो इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करने के बाद वो से उसी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, हुआ कि नहीं। तो ये वाला परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है, आर ही है, तो यहाँ पर आर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा, आर, हुआ कि नहीं। तो एम भी आर, इसीलिए आप सर्कुलर मोशन में डायरेक्ट लिख देते हैं जो एंगुलर मोमेंटम है होता है एम भी आर। समझ में आ गया कैसे होता है, आपको लाइन ऑफ ड्रॉ करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट, यहाँ पर लिख रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ये एक एग्जांपल हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल है क्या बोल रहा है, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम ओके मूव्स विथ स्पीड moves with speed v along the circle x square plus y square equal to r square, ठीक है, calculate angular momentum along point 0 0 d, calculate the angular momentum along point 0 0 d, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है विद स्पीड वेलोसिटी v, स्पीड v along द सर्किल x square plus y square equal to r square। देखिए ऐसे एक मूवमेंट दे दिया है, ठीक है, इसका रेडियस r है सर्किल का, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है और यहाँ पर अंदर की डायरेक्शन में घुस रहा है। देखिए
यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, पार्टिकल यहाँ पर अंदर की डिरेक्शन में जा रहा है, अंदर की डिरेक्शन में जा रहा है मतलब ऐसे क्रॉस लिख रहा हूँ, और यहाँ से पार्टिकल बाहर आ रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ से पार्टिकल बाहर आ रहा है, समझ रहे क्या वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिरेक्शन है डी, इस पॉइंट का डी है, ठीक है, डी जीरो जीरो डी, ठीक है, इस पॉइंट वो बोल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू जी डी पॉइंट हमको क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू डी पॉइंट। देखिए हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए कि नहीं, देखिए ये वाला हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइन, अगर पार्टिकल इस पॉइंट पर है तो हमारा जो ये पॉइंट, ये जो है, ये जो लाइन हुआ ठीक है, समझ रहे हैं ना, जो हमारा व्हाइट बोर्ड से जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाला लाइन, यही ये तो हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइन होगा ना, यही वाला लाइन वेलोसिटी ऑफ लाइन होगा, क्योंकि अंदर जा रहा है यहाँ से, तो अगर अंदर जा रहा है और इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इसको, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, यही वाला होगा ना, आर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, सिंपल है, और ये वाला आर है, ये वाला डी है, तो आर परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर कुछ भी दिक्कत है प्लीज पूछ लेगा, कमेंट में प्लीज पूछिएगा, आई एम 100% हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि हम इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो आर परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और डिरेक्शन क्या होगा, देखिए तो हमका एल, हमको क्या चाहिए, एल, एल इज एम भी आर परपेंडिकुलर, तो मास इंटू वेलोसिटी भी आर परपेंडिकुलर का वेलोसिटी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट ओवर, आएगा नहीं, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पर डिरेक्शन किस डिरेक्शन में होगा, देखिए देखिए आर, आर क्रॉस पी, हमको डिरेक्शन चाहिए सबसे निकालने के लिए, हमको आर क्रॉस पी विथ रेस्पेक्ट टू राइट हैंड, राइट हैंड हमारा थंब रूल से निकालना पड़ेगा। देखिए आर कैसे आ रहा है, देख लीजिए, सिंपल आर ऐसे आ रहा है, ये वाला आर का डिरेक्शन है ना, यही वाला, यही है आर, ठीक है। तो आर क्रॉस पी मोमेंटम मतलब वेलोसिटी का डिरेक्शन, वेलोसिटी उस डिरेक्शन में जा रहा है, समझ रहे, आर भी, समझ रहे, आर क्रॉस भी वेलोसिटी कितना है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, वेलोसिटी तो नीचे जा रहा है व्हाइट बोर्ड के अंदर, तो मतलब आर ऐसे आया वेलोसिटी अंदर गया, देखिए आर ऐसे आया वेलोसिटी अंदर गया जा रहा है, ठीक है, मेरे हाथ को नजर रखिए, आर ऐसे आ रहा है वेलोसिटी नीचे जा रहा है, नीचे, ठीक है, तो मतलब एंगुलर मोमेंटम कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, देख लीजिए, आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू जीरो जीरो डी द एंगुलर मोमेंटम का डिरेक्शन है, इस डिरेक्शन में आ जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर, देखिए इस तरह का आपको पता है चीज़ें कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी तरह का और एक एग्जांपल ले लेंगे, क्या होगा उसको बोलते हैं कैनोनिकल पेंडुलम का, ठीक है। देखो एग्जाम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना ईजी है, पर कन्फ्यूजन आप कहाँ पर होते हैं, जो आर परपेंडिकुलर जहाँ पर निकाला जाता है। तो देखिए आप मेरा एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ, आप अच्छे से मतलब ध्यान रख के प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो एक बार देखिएगा, अपने से खुद देखिएगा कैसे आर परपेंडिकुलर ये हुआ, तो आपको पता चल जाएगा। सिंपल जो कॉन्सेप्ट बताया है आपको, आपको सिर्फ वेलोसिटी ऑफ लाइन को एक्सटेंड करना है और आर परपेंडिकुलर वहाँ से ड्रॉ करना है, तो वही हो जाएगा आर परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट है कैनोनिकल पेंडुलम, कैनोनिकल ठीक है, कैनोनिकल पेंडुलम में हमको क्या चाहिए, आर परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पर एक हिंज्ड है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट हिंज्ड है, तो कैनोनिकल पेंडुलम में क्या है, वो ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है उसमें घूमता रहता है, ठीक है। लेट्स द पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, तो ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर पार्टिकल क्या करेगा, मास क्या करेगा, बाहर आने लगेगा, ऐसे ही तो होगा ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर वो पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम एट ए, ठीक है, इसका लेंथ एल है, ये वाला वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वो पूछ रहा है, क्या पूछेगा, पूछ सकता है एंगुलर मोमेंटम एट ए, ये वाला पॉइंट ए ले लिए और ये वाला पॉइंट बी ले लिए, तो एंगुलर मोमेंटम ए कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम एलोंग बी कितना होगा, ये सब पूछ रहा है, ठीक है।
विथ रेस्पेक्ट टू कौन सा पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट टू हिंज पॉइंट, ये वाला जो हिंज पॉइंट है विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट हमको क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम चाहिए। कोई दिक्कत नहीं हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत हो कि पूछ लीजिए। ठीक है, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू ओ पॉइंट ओ पूछ रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ जो सेंटर है सर्कल का उससे पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, तो हमको पता है ये तो ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है ऐसे, तो हमको पता है एल ए इक्वल टू कितना होगा एम वी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, इस पॉइंट पर एम वी आर परपेंडिकुलर, तो एम का एम रहा वेलोसिटी वी आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालने के लिए। देखिए हम वेलोसिटी ऑफ लाइन क्या होगा, यही वाला वेलोसिटी ऑफ लाइन होगा क्योंकि ये अंदर जा रहा है, और वेलोसिटी ऑफ लाइन से ओ से परपेंडिकुलर और ड्रॉ करेंगे तो यही होगा ना, यही वाला लाइन तो आर परपेंडिकुलर आ जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइन पर अगर ओ से हम पॉइंट ओ को हम ओरिजिन कंसिडर करके कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, तो यही वाला तो होगा रेडियस, ये वाला आर, यही तो होगा आर परपेंडिकुलर। तो आर क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल अगर थीटा होगा आर को क्या लिख सकते हैं, एल कोस एल साइन थीटा, तो एम भी एल साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर वो बोलेगा ये वाला कैनोनिकल वेंट्रिलोम विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम भी इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा आर। ठीक है, तो ओमेगा इंटू आर, आर की जगह पर क्या लिखेंगे फिर से एल साइन थीटा, ओमेगा इंटू एल साइन थीटा। तो भी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एम भी एम इंटू एल इंटू भी की जगह पर ओमेगा एल साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो बचा कि एम ओमेगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट है, यही हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी, इक्वल ही हो जाएगा, पर डायरेक्शन अलग आएगा पर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन यहाँ पर डायरेक्शन की ए पॉइंट पर डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आएगा, देखिए आर इस डायरेक्शन पर, आर क्रॉस पी इस डायरेक्शन पर, देखिए आर क्रॉस पी, तो यहाँ पर ए पॉइंट पर एंगुलर मतलब एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ऊपर आएगा, बी पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन का नीचे आएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका जे कैप डायरेक्शन पर, इस पॉइंट पर आ जाएगा आपका के माइनस जे कैप डायरेक्शन पर। क्वेश्चन ईजी है, आप सिर्फ को देखना है, चीज़ें बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसी तरह का आपका अगर कुछ भी दे सकता है कहीं से किसी पॉइंट पर आपको एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, कैसे आपको सिर्फ आर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आना चाहिए सिंपली। ठीक है, और डायरेक्शन अगर पूछेगा तो आपको आर क्रॉस पी से डायरेक्शन मतलब राइट हैंड थंब रूल से आपको डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज आवर और एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन बहुत सारा है जल्दी से करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, ऐसे ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट जीरो जीरो है। ठीक है, और यहाँ पर एक सर्किल में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस इस पॉइंट पर पार्टिकल मास का वेलोसिटी भी है इस तरफ, ठीक है, भी नॉट है, और इस पॉइंट पर पार्टिकल उसी मास एम का वेलोसिटी नीचे भी नॉट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, कैलकुलेट एंगुलर
मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। सॉल्यूशन लिखते हैं, देखिए एक चीज देख लीजिए अच्छे से। देखिए हम जब भी, देखिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करने के लिए हमको ओरिजिन से इस मास के लिए, इस मास और इस मास के लिए डिस्टेंस चाहिए, क्या मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यही तो। देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, दो तरीके से भी। पहले हमारा जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए तो पहले हमको पता है इस मास को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइन एक्सटेंड करने के बाद हमको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए, एक्स एक्सिस में यहाँ का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। पर हमको वो एक्सिस का डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, दिया है क्या हमको एक्स एक्सिस का इतना सा डिरेक्शन, जितना भी हम निकाल लें ये तो एक्स को हमको चाहिए होगा कभी ना कभी, ये जो आर परपेंडिकुलर यहाँ पर एक्स आ जाएगा इसको तो चाहिए होगा, मतलब ये वाला क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि डाटा इनसफिशियंट है। पर और कुछ मेथड से सॉल्व हो सकता है, देखते हैं। हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, देखिए यहाँ पर मैं पहले एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना से कराने से पहले मैं आपको पहले लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कितना होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम पी टोटल कितना होगा देख लीजिए, इसका क्या होगा मोमेंटम एम वी नॉट कौन से डिरेक्शन पर, जेड कैप होगा कि नहीं, सॉरी गाइज फॉर द नॉइज। और इसके लिए कितना होगा एम वी नॉट इंटू माइनस जेड कैप, तो टोटल कितना होगा जीरो हो गया कि नहीं, टोटल मोमेंटम लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो हो गया। तो हमको एक कॉन्सेप्ट पता है, अगर टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो हो जाएगा तो हमको पता है जो एंगुलर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लिखा हुआ हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम अगर ये वाला पॉइंट ओ है और इसको हम ओ प्राइम ले ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा अगर टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट इज कंजर्व्ड, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ प्राइम, हुआ कि नहीं। तो इसके यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू ओ पॉइंट में निकालने में जो आंसर आएगा ओ प्राइम में भी जब निकालेंगे वही आंसर आएगा, तो हम हमारा ओ प्राइम में हम निकाल लेते हैं क्योंकि ओ प्राइम में निकालना ईजी रहेगा, सिंपली निकाल लेते हैं। देखिए तो पहले इसके लिए क्या होगा, इस जो एम वी नॉट इसके लिए मतलब इस मास के लिए एल प्राइम के लिए मास इनटू वेलोसिटी लाइन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन ड्रॉ कर देते हैं, इसको परपेंडिकुलर कर दिए तो यहाँ से आर परपेंडिकुलर ये आ गया, इसका रेडियस अगर आर दिया है तो ये इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया एम वी आर, हो कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कौन से डायरेक्शन में आएगा, देखिए आर क्रॉस भी कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, बाहर, लेट्स बाहर के क्या डायरेक्शन में आ रहा है एम वी आर डायरेक्शन के क्या, और इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके लिए वही वेलोसिटी ऑफ लाइन को बढ़ा दे रहे हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी आर हो गया, तो यहाँ पर कौन से डायरेक्शन में आएगा आर क्रॉस भी वही है क्या क्या डायरेक्शन में आएगा प्लस एम वी आर डायरेक्शन कितना हुआ क्या क्या, तो कितना होगा फाइनली टू एम वी आर डायरेक्शन के क्या में आएगा कि नहीं, हमारा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ भी जितना होगा ओ प्राइम भी जितना होगा, हो गया। चीज़ें सिंपल हैं, आप इसको अगर ओ में निकालने बैठे जाएंगे आपको तीन चार घंटा चला ही जाएगा क्योंकि देखिए चीज़ें सिंपल हैं, अगर इस कॉन्सेप्ट से नहीं हो रहा है तो उस कॉन्सेप्ट से होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ठीक ही है। ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, आपने लिख लिया होगा शायद, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम पे प्रोजेक्टाइल, बहुत मस्त क्वेश्चन होगा देख लीजिएगा क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ है प्रोजेक्टाइल, ठीक है,
प्रोजेक्टाइल का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है। तो हमको पता है जब अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन से निकालेंगे, ठीक है। पॉइंट ओरिजिन मतलब क्या, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वही है ना, उसी को बोलते हैं ओरिजिन। देखिए ऐसे एक पार्टिकल को हम वेलोसिटी वी से प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, तो ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है कि नहीं पता है। ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला हमारा वाई एक्सिस हो गया, एंगल थीटा से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता है एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, पता है कि नहीं आपको, ये वाला सिंपल पता है। देखिए कोई भी पार्टिकल अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसका जनरल आर वेक्टर आपको हमने बताया था, आर इक्वल क्या होगा, अगर वेलोसिटी वी से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आर इक्वल क्या होगा, यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे कैप, बताए थे कि नहीं, इसलिए तो वो सब कॉन्सेप्ट बताया गया है क्योंकि यहाँ पर यूज होगा, इसलिए बताया गया है। थोड़ी सिर्फ वहीं पर यूज होगा, चारों तरफ यूज होगा वो कॉन्सेप्ट, देख लीजिए आप। नेक्स्ट पार्टिकल जो मोमेंट ऑफ पी के लिए हमको वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी भी हम आपको बताए थे क्या था, इस पर हम लिख दे रहे हैं एम आर क्रॉस बी, ठीक है। तो वेलोसिटी हमने भी आपको बताया था क्या होगा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप, हो कि नहीं। सिंपली आप अगर याद नहीं आ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन को रिवाइज कर लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो हमको अभी क्या चाहिए, आर क्रॉस पी, ठीक है, मतलब आर क्रॉस भी चाहिए। सिंपली आर क्रॉस भी निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे आपको पता है मैट्रिक्स मेथड, आई कैप जे कैप के कैप, आर के टर्म लिख लेंगे, यू कॉस थीटा टी, यू कॉस थीटा टी, ठीक है। देन जे कैप में क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, के क्या में जीरो हो गया। वेलोसिटी में क्या लिखेंगे, यू कॉस थीटा, इस पर यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये जीरो हो गया, काम वो मैट्रिक्स ले लेंगे, सॉरी डिटर्मिनेंट ले लेंगे, हो गया। तो सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा बचेगा, ओनली के कैप टर्म बचेगा, देख लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, के कैप इंटू आई कैप जे कैप टर्म सब जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। देखिए मैं कर दे रहा हूँ, आई कैप को छोड़ दे रहे हैं, आई कैप को छोड़ दे रहे हैं, मतलब ये इंटू जीरो, ये इंटू जीरो, जीरो हो गया। जे कैप को छोड़ दे रहे हैं, ये इंटू जीरो, ये इंटू जीरो, जीरो हो गया। क्या क्या आपको अगर हम पकड़ेंगे तो क्या होगा, यू कॉस थीटा इंटू ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, यू कॉस, आपको मल्टीप्लीकेशन तो पता ही, हम क्या बताएं, साइन थीटा टी माइनस जी टी, ठीक है, माइनस यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा, देख लीजिए आ जाएगा कि नहीं, इतना आ जाएगा। देन एंगुलर मोमेंटम का जब मोड आ जाएगा, ये वाला आर क्रॉस भी आ गया, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, एम आर क्रॉस भी, ठीक है। और यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम का अगर मोड ले लेंगे, इन दोनों का मोड आ जाएगा, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ आपको, ये वाला सिर्फ मोड कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मोड आ जाएगा, हम आपको डायरेक्ट लिखा दे रहा हूँ, वन बाई टू एम यू जी टी स्क्वायर कोस थीटा, डिरेक्शन होगा माइनस के क्या पर। देखिए ये सब रिजल्ट डायरेक्ट पूछ सकता है, पता नहीं पूछ, मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्या पता डायरेक्ट पूछ ही लिया ये वाला रिजल्ट, आपने वहाँ पर कैलकुलेट करने बैठ गए, क्या पता आपको ये वाला सिर्फ एक्सप्रेशन ही अगर याद होगा तो आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। आपको सिर्फ इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करके आंसर निकलना है, सिंपल है, हमको डायरेक्ट ये सब करवाने नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है, आपको सब चीज़ पता ही है। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। अभी एक ये क्वेश्चन कर लेंगे, क्या एंगुलर मोमेंटम का, और एक दो चार क्वेश्चन कर लेंगे तो एंगुलर मोमेंटम का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा,
हमको हमारा मोटिव है कि आप अपना थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए, थोड़ा फॉर्मूला याद कर लीजिए और एग्जाम जाइए और एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करवाता कभी भी, क्योंकि ज़्यादा प्रिपरेशन करवाने से क्या होता है, प्रिपरेशन तो करवाऊँगा लास्ट लेक्चर में, वो तो एक ही लेक्चर लगेगा, CUET में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करवा दूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर ज़्यादा अभी करवाने से क्या होगा, आप एडिक्टेड हो जाएंगे प्रीवियस ईयर से। देख लीजिएगा कोई कोई बच्चा होता है वो क्या होता है, देख लीजिए जैसे R+P का एग्जांपल से क्वेश्चन आया है। ठीक है, R+P से आया है, अगर R+P से आया है तो वो R+P का ही क्वेश्चन करके जाएगा बाद में। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, अगर वो सिर्फ R+P का ही क्वेश्चन करके गया और उसका थोड़ा घुमा के जैसे मैंने किया अभी, एंगुलर मोमेंट टोटल मोमेंटम अगर जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, ऐसे हुआ तो उसका क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व होगा वहाँ पर, नहीं होगा ना। ठीक है, तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं, क्या है, चलिए जल्दी से करते हैं। ये वाला एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, ये वाला वाई एक्सिस का डायरेक्शन है। ठीक है, और ये वाला हमारे हो गया क्या, वेलोसिटी जा रहा है यहाँ से मास एम विथ वेलोसिटी वी से यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये वाला ओरिजिन है, ये वाला डिस्टेंस डी है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या है, एल अबाउट ओ एम वी आर परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर ये वाला वेलोसिटी डायरेक्शन है, इसको इसे एक्सटेंड कर देंगे, डायरेक्शन डी यही है तो एम वी डी, सिंपल है। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या करेंगे देख लीजिए, रिजिड बॉडी का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऐसे एक एक्सिस है, ठीक है, यहाँ से एक रोड लगा हुआ है, रोड लगा हुआ है जिसका मास एम है, कोई दिक्कत नहीं, और ये ओमेगा से ऐसे मूव कर रहा है, घूम रहा है, रोड को हम घुमा रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे हो रहा है, रोड को एक एक्सिस से हम घुमा रहे हैं, समझ में आ गया। ठीक है, बता दे रहा हूँ अच्छे से आपको, देखिए ये एक्सिस हो गया हमारा, यहाँ पर रोड अटैच्ड है, ये रोड ऐसे घूम रहा है इसके चारों तरफ। ठीक है, समझ में आ गया, रिजिड बॉडी है, तो जब घूम ही रहा है तो हमको पता है, जब भी आपको ये सब वाला कॉन्सेप्ट लिखा दे रहा हूँ, ये इस बार जब भी हमारा रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट आ गया तो एल का वैल्यू क्या होगा, आई इंटू ओमेगा। ठीक है, आई क्या है यहाँ पर, मोमेंटम इनर्शिया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मोमेंटम इनर्शिया में पढ़ाऊंगा आपको कैसे कैलकुलेट, जाहिर रिजल्ट बहुत सारा लिखवा दूंगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करना करवा दूंगा और आपका मोमेंटम इनर्शिया भी कम्प्लीट, एक घंटा एक से डेढ़ घंटा लगेगा मोमेंटम इनर्शिया, मैं पढ़ाऊंगा सभी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एल इक्वल टू आई ओमेगा, तो यहाँ पर आपको मोमेंटम इनर्शिया अबाउट ए रोड अबाउट ए पर्टिकुलर लाइन विच इज पासिंग थ्रू द एज ऑफ दिस लाइन, ओके, तो यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आपको पता होगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री अबाउट वन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर आई का वैल्यू एम एल स्क्वायर बाई थ्री होगा, ये सब आपको याद रहना चाहिए, नहीं मैं तो आपको लिखवा ही दूंगा, आप अभी तक तो ये देख लीजिए। ठीक है, अभी आप यही याद रखिए, जब भी जो लाइन ऑफ एक्सिस अगर किसी साइड से पास कर रहा है एक साइड से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री। ठीक है, और इसका लेंथ अगर एल है, ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, तो एल का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा। मैं आपको रिजिड बॉडी डायनामिक्स में ये सब कॉन्सेप्ट बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं तो हमारा एंगुलर मोमेंटम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम अभी डबल स्टार, ठीक है, डबल स्टार का सिस्टम हमने आपको पढ़वाया था कहाँ पर, सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ पर फिर से एंगुलर मोमेंट डबल
प्लैनेट का, तो वहाँ पर वही उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। लेट्स दो मास है M1 M2 बोथ आर मूविंग अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इसका रेडियस R1 से फ्रॉम सेंटर मास, ये डिस्टेंस R2 है फ्रॉम सेंटर मास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, अबाउट देयर सेंटर मास वो मूव कर रहे हैं, तो ये लेट्स ऐसे R1 से मूव कर रहा होगा ऐसे, और ये वाला R2 से अपना ऐसे मूव कर रहा होगा अबाउट सेंटर मास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो M2 का जो M1 लेट्स यहाँ पर वेलोसिटी, सॉरी यहाँ दोनों ओमेगा से मूव ही कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स ये इधर मूव कर रहा है, ये उधर मूव कर रहा है इस तरफ, ठीक है, दोनों ओमेगा से मूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों अपना कॉमन सेंटर मास से ओमेगा से ही मूव कर रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पर आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ डायरेक्ट, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा एम, इसके लिए सेंटर मास से अगर हम कैलकुलेट करें, इसके लिए एम इसका वेलोसिटी अगर V1 है और इसका वेलोसिटी इस तरफ V2 है, ठीक है, इसका वेलोसिटी ऊपर V1 है, इसका वेलोसिटी इस तरफ V2 है, तो एम V1 इंटू आर परपेंडिकुलर, फर्स्ट के लिए एम V1 आर परपेंडिकुलर कितना होगा R1, प्लस इसका लिए कितना होगा एम V2 इंटू R2, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, V1 को पता है V1 का वैल्यू कितना ओमेगा इंटू R1, और V2 का वैल्यू कितना ओमेगा इंटू R2, पता है हमको, पता है कि नहीं, उसको पुट कर देंगे सिंपली, एम V1 के जगह पर ओमेगा R1 स्क्वायर प्लस एम ओमेगा R2 स्क्वायर, तो एम ओमेगा कॉमन ले लिए, सॉरी M1 M2 लिख ले ना, M1 M2, तो ओमेगा कॉमन ले लिए, बचा क्या M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, ठीक है, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, दिक्कत नहीं, देख लीजिए अगर, ठीक है। अगर इन दोनों का R1 प्लस R2 हमको पता है क्या है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, ये वाला कंसेप्ट हमको पता है, यहाँ पर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R होगा ना कॉमन, और यहाँ पर और एक चीज़ पता है, देखिए ये वाला फॉर्मूला रिड्यूस होकर क्या आ जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर आप देख लीजिए कैसे आ रहा है, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा ले रहा हूँ, बट कॉम्प्लीट मतलब सिर्फ कैलकुलेशन है, देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा L इज इक्वल टू म्यू ओमेगा आर स्क्वायर, तो बाइनरी स्टार में जो फॉर्मूला है, बाइनरी स्टार में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू क्या है, मैं बोल रहा हूँ सब ओमेगा आर स्क्वायर, जहाँ आर का वैल्यू कितना आ गया R1 प्लस R2, और म्यू है रिड्यूस्ड मास, जिसका वैल्यू क्या है M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, देख लीजिएगा यहाँ पर पुट कर दीजिएगा वही आंसर आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, सिंपल है चीज़ें, सिर्फ रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट ही लगाए, इसलिए मैं बता दिया हूँ, क्योंकि आ सकता है एग्जाम में दोनों मास दे दिए बाइनरी सिस्टम का और डायरेक्ट पूछ लिया एंगुलर मोमेंटम बोलिए, तो एंगुलर मोमेंटम आपका ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा एंगुलर मोमेंटम खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया, ठीक है। हम अभी नेक्स्ट चलते हैं कौन से कॉन्सेप्ट पर, टॉर्क पर,
देखिए एंगुलर मोमेंटम हमारा खत्म हो गया। हम पढ़ेंगे अभी टर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद कंजर्व कर लेंगे। चलिए टर्क के बारे में पढ़ते हैं। टर्क को क्या डिनोट करते हैं? टाओ। ठीक है, टर्क को हम टाओ से डिनोट करते हैं। देखिए टर्क क्या बोलता है, पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हमको आपको लिखवा देंगे थोड़ा सा। टर्क क्या बोलता है? टर्क रोटेशनल इफेक्ट को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, कोई पार्टिकल पर, कोई ऑब्जेक्ट पर, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, तो उस एफ की वजह से कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी कितना रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा टॉर्क ही बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉर्क।